1530 में आज के दिन मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली। 1778 में आज के दिन ब्रिटिश सेना ने अमेरिकी राज्य जॉर्जिया पर कब्जा किया था। आज के दिन 1844 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का कलकत्ता में जन्म हुआ था। 1917 में आज के दिन भारतीय फिल्म निर्देशक एवं धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का जन्म हुआ। इनके करियर की शुरुआत राइडर्स ऑफ द रेल रोड नामक फिल्म के साथ हुई थी। उन्होंने कुछ फिल्मों तथा कई टेलीविजन कार्यक्रमों और धारावाहिकों का निर्देशन और निर्माण किया। उनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों में विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानियां, रामायण, कृष्णा, अति फ्लैला और जय गंगा मैया बेहद लोकप्रिय हैं। आज के दिन 1922 में नीदरलैंड ने संविधान अंगीकार किया। 1942 में आज के दिन बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक व निर्माता राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। 1966 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। 3 साल के अंदर 15 हिट फिल्मों में अभिनय करके राजेश बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने लगे। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार हैं। उन्होंने 1966 से 2013 तक 163 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 105 फिल्में हिट रही। राजेश खन्ना के फिल्मों में आराधना, दो रास्ते, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी आदि प्रमुख हैं। राजेश खन्ना को सर्वप्रथम अभिनय के लिए 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 1975 में आज के दिन ब्रिटेन में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों से जुड़ा कानून लागू हुआ था। आज के दिन 1977 में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बम्बई में खुला। 1984 में आज के दिन कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था। 1946 में आज के दिन ग्वाटेमाला और ग्वाटेमाला नेशनल रिवोल्यूशनरी यूनिटी के नेताओं ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर गृह युद्ध का अंत किया था। आज के दिन साल 2008 में प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा का निधन हुआ। मंजीत बावा सूफी गायन और दर्शन में अपनी विशेष रुचि के लिए जाने जाते थे। रंगों की उनकी समझ अद्भुत थी। वह पहले चित्रकार थे जिन्होंने पाश्चात्य कला में बहुलता रखने वाले भूरे और घूसर रंगों का वर्चस्व खत्म करके उनकी जगह लाल और बैंगनी जैसे भारतीय रंगों को चुना। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय पुरस्कार, ललित कला अकादमी और वर्ष 2005 में राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था।